हरे कृष्णा दामोदर जी का मैंने देखा था कि यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांध दिया था एक उखल से। तो कृष्ण जब उखल से इस तरह बंधे हुए थे और यशोदा मैया फिर चली गई अपने घर में कार्य करने के लिए, कृष्ण अकेले वहां पर बंधे हुए थे और फिर भी उनके मन में कुछ विचार आया कि कुछ करना चाहिए। कृष्ण एक जगह चुप रह के नहीं बैठे थे, कुछ करना चाहते हैं हमेशा। जिस तरह बंदरों को माखन बांट रहे थे, जिस तरह उन्होंने सोचा कि अब तो बंधे हुए हैं और ऐसी स्थिति में कोई है नहीं साथ में, साथ में केवल है उखल है जिसके साथ में यशोदा मैया भी कृष्ण को बांध रहे। अब उखल के साथ बंधे हुए हैं तो क्या करें, फिर कुछ करें तो उखल के साथ ही कर सकते हैं। और उखल तो उखल के साथ क्या कर रही, उखल जो होता है वो एकदम डमरू की तरह होता है, डमरू जिस तरह इसे शेप में फिर इसे फिर इसे। तो कृष्ण ने उखल को गिरा दिया। तो उखल को जब गिरा दिया तो उखल था, उखल से रस्सी थी, रस्सी से कृष्ण बंधे हुए थे। तो अब वो जब गिरने से उखल चलने की वाली स्थिति में आ गया कि अब वो चल सकता है, अगर उसको खींचेंगे तो चल जाए। तो पहले कृष्ण खड़े थे एक जगह बंधे हुए थे, लेकिन अब वो चल फिर सकते थे उखल के साथ में, तो वो चलेंगे उखल भी साथ में चलेंगे। उखल को साथ में लेके कृष्ण इधर उधर जा सकते थे। तो कृष्ण घुटनों के बल थोड़ा आगे बढ़ते थे और पीछे से उखल भी गोल गोल उनके पीछे घूम रहा था। तो ये कृष्ण को एक नया खेल आ गया उनके पास कि अब एक जगह बैठने की खड़े रहने की जरूरत नहीं, हम बंधे हुए हैं लेकिन बंधे हुए होते हुए भी हम इधर उधर जा सकते हैं, चल सकते हैं। तो कृष्ण नंद महाराज के आंगन में इधर उधर हर जगह घूम रहे थे, खेल रहे थे उखल के साथ में। उखल और कृष्ण इस तरह अलग अलग जगह घूम रहे थे। तो कृष्ण आगे चल रहे थे, उनके पैरों के निशान बन रहे थे, फिर उखल के इस तरह गोल गोल उनके पीछे घूम रहा था अलग अलग जगह। नंद महाराज के आंगन में, नंद महाराज के आंगन में इस तरह दो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और कृष्ण चलते चलते उन दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए। तो कृष्ण जब दोनों के पेड़ों के बीच से निकल गए और उसके बाद उखल आया, उखल अटक गया क्योंकि वो दो पेड़ के बीच का जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, उखल से कम थी। तो उखल बड़ा था, दोनों पेड़ों के बीच की जो दूरी थी वो कम थी, तो इसलिए उखल उसके पार उससे पार नहीं कर पाया। तो कृष्ण इस पार आ गए थे, बीच में रस्सी थी और रस्सी उखल में बंधी हुई थी और उखल अटक गया था। तो अब या तो कृष्ण को पीछे जाना पड़ेगा, अब और कृष्ण पीछे जाएंगे नहीं तो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कृष्ण ने थोड़ी सी बहुत थोड़ा सा और प्रयास किया और दो बड़े बड़े पेड़ धड़ाम से गिर गए। तो वो दो पेड़ पेड़ जिसमें उखल अटक गया था, दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। तो इससे दो बड़े बड़े पेड़ गए। तो पेड़ों को किसने गिराया, कृष्ण ने गिराया, रस्सी ने गिराया या उखल ने गिराया? तो कृष्ण ने तो पेड़ों को स्पर्श भी नहीं किया। तो कृष्ण ने लेकिन थोड़ा सा कृष्ण ने शक्ति लगाई रस्सी के माध्यम से, और रस्सी के माध्यम से वो शक्ति कहाँ तक गई, रस्सी में आई कृष्ण से शक्ति और रस्सी से शक्ति आई उखल में, और उखल की शक्ति के कारण दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। तो देखो उखल में भी इतनी शक्ति आ गई कि वो दो बड़े बड़े पेड़ों को गिरा सकता। उखल टूटा नहीं, रस्सी भी टूटी नहीं, और वो दोनों बड़े बड़े पेड़ दोनों टूट गए। तो यहाँ से पता चलता है कि इसमें शक्ति आई कहाँ से, उखल में शक्ति कहाँ से आई, इसमें शक्ति आई कृष्ण शक्ति बिना नहीं, कृष्ण के साथ में आने से, कृष्ण के स्पर्श के कारण उखल में शक्ति आई और रस्सी में शक्ति आई और इतने बड़े कार्य कर पाए कि तो दो बड़े बड़े विशाल पेड़ को भी गिरा पाए। इसी तरह कृष्ण के द्वारा शक्ति का आवेश जो रस्सी में और उखल में, इस तरह शक्ति के आवेश के द्वारा बड़े बड़े कार्य हो सकता है। भगवान की शक्ति रस्सी और उखल में आई और उन्होंने बड़े दो बड़े पेड़ को गिरा दिया। इसी तरह कोई भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं और इस तरह प्रचार कार्य करते हैं तो
कृष्ण की शक्ति के द्वारा वो कुछ बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे भगवान के भक्त हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किया, मतलब प्रभुपाद जी, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो ये कृष्ण शक्ति के आवेश के द्वारा इस तरह जो कृष्ण को समर्पित है भक्त है वो बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। हरे कृष्ण।